हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सनवीत निसोर। मैं हूं निसोर। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, अपने घर में होंगे, सेफ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बट मेरा जो फोन है वह अच्छा नहीं है, मेरी सुपुत्री ने उसको खराब कर दिया है। इसलिए आपको जो ब्लॉग है काफी दिनों से नहीं मिल रही है, मेरी वीडियो मतलब नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा फोन ही खराब है एंड मैं सारा कुछ अपने फोन से ही करती हूँ। वीडियो शूट करना, एडिटिंग, अपलोडिंग, टोटल चीज मैं फोन से ही करती हूँ। या वीडियो जो मैं शूट कर रही हूँ अपने मम्मी के फोन में शूट कर रही हूँ, तो पता नहीं कि आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अभी आज है 27 मई। अगर आपको कल परसों में वीडियो मिल जाए तो आप समझ लेना कि हाँ मैंने अपलोड कर दिया, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के फोन में एडिट वगैरह करके लैपटॉप से डाल दूंगी। जितना भी एडिटिंग एप्लीकेशन थे सारे मेरे फोन में ही है, और जैसे 2-3 एप्लीकेशन मैं यूज करती हूँ। एक तो एडिटिंग मतलब वीडियो एडिट करने के लिए, सेकेंड थंबनेल बनाने के लिए। तो मम्मी के फोन में उसे तो कुछ है नहीं, एंड मैं अपना ईमेल आईडी भी सोच रही हूँ इसमें क्यों अटैच करना, पूरा खिचड़ी बन जाएगा, क्योंकि मेरे ईमेल आईडी पे बहुत ज़्यादा फोटो वगैरह सब अपलोड किया हुआ है, तो सब इस पर आ जाएगा। तो रियो यहाँ पे खेले खेले कर रही है। क्या खेल रहे हो बेटा? हाय करो सब लोग को, हाय और नमस्ते कर लो आप। गुड गर्ल। मेरा फोन खराब कर दिया है मेरी सुपुत्री ने, जैसा कि मैंने बताया। आज तक ना मैंने अपने फ्रेंड लोगों के मुंह से सुना था, मतलब हमेशा वो बोलती थी कि यार मेरा बेटा मेरा फोन खराब कर दिया है, मेरी बेटी मेरा फोन खराब कर दी है। बट ना आज मेरे साथ गुजरा है, मेरे पे बीता है कि मेरी बेटी ने मेरा फोन खराब कर दिया। मैं दिखाती हूँ इसको, एक सेकेंड देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा न्यू फोन है, एक भी स्क्रैच नहीं है। और इसको ऑन करने पे बस ऐसे लिखा आएगा विवो, एंड उसके बाद ये ओपन ही नहीं हो रहा है। बस यही हो रहा है, बार बार विवो आ जा रहा है एंड ओपन नहीं हो रहा है। शायद ना इसमें शॉर्ट सर्किट लग रहा है, मतलब 8-9 दिन हो गया हुआ है मेरा फोन खराब हुए हुए, इसलिए आपको अब वीडियो नहीं मिल रही। इनफैक्ट 8-9 दिन से ज्यादा ही हो गया होगा। तो मेरे भाई ने बोला था शुरू में कि दीदी इसको धूप में सुखाओ, कहीं ठीक हो जाएगा। तो मैं सही बोल रही हूँ, पता है 2-3 दिन मैंने इसको लगातार धूप में सुखाया है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एंड अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो सारा दुकान वगैरह बंद है फोन बनाने का। तो मेरे एक जान पहचान के भैया है, तो मैंने उन्हीं के यहाँ भेजा था कि फोन बना देंगे। बट जब उन्होंने मेरा फोन देखा तो उन्होंने बोला कि इसके पीछे भी ना ग्लास लगा हुआ है, जो कि खुलने के प्रोसेस में हो सकता है कि टूट जाएगा, तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो फिर मैंने मना कर दिया कि एजेंसी में ही भेजूंगी, तो पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा एंड कब मेरा फोन बनेगा। देखो अभी भी यह हो ही रहा है, विवो का फोन है यार, बहुत जल्दी खराब हो गया। मैं विवो का फोन कभी नहीं लूंगी ना। सो गाइस, आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि इस टाइप का जो स्टोरेज बॉक्स, इस टाइप का स्टोरेज बॉक्स मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। तो इसमें मतलब 4 दिया था, 2 तो मैंने अटैच कर दिया है, 2 अभी करना है। सोचा कि आप लोगों के साथ ही इसको अटैच करते हुए, तो चलिए करते हम लोग। तो इस टाइप का स्टोरेज बॉक्स के साथ इस टाइप का आता है अटैच करने के लिए। इसके लिए हमें कील वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं इसको फंसा दे रही हूँ सबसे पहले, इसे स्टोरेज बॉक्स के साथ ही यह आता है। बहुत इजीली यहाँ से ये निकल जाता है। उसके बाद इसको अच्छे से हम लोग प्रेस कर देंगे ताकि ये निकले ना। इसमें हम सैनिटाइजर वगैरह रख देते हैं, फेस वॉश, आप चाहो तो इसमें हैंड वॉश भी रख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो गाइस, एक और स्टोरेज बॉक्स मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ अपने किचन में, मिक्सी के जस्ट ऊपर, ताकि किचन में कुछ मेडिसिन वगैरह रहता है तो सब यहाँ पे अच्छे से स्टोर हो जाए। यहाँ पे मैं रख देती हूँ कुछ मेडिसिन वगैरह है, यह है गिलोय, आप लोग भी खाया करना। और क्या है, यह है ORS इलेक्ट्रोल पाउडर जो होता है।
सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मेडिसिन वगैरह किचन में क्यों रखा है, क्योंकि उसमें से ज्यादातर मेडिसिन मेरी मम्मी की है, तो उनको कभी कभी जरूरत होती है तो उसको किचन में रखती है, तो इसलिए अब वो सब अच्छे से एक जगह पे रहेंगे, स्टोर रहेंगे। अभी मैं बालकनी में बैठी हुई हूँ एंड हवा और बारिश को इंजॉय कर रही हूँ। काफी अच्छा लग रहा है जब ठंडी ठंडी हवा आके फेस में लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ दिन से काफी गर्मी पड़ रही थी बट कल से ना थोड़ा सा सही है, कल भी ठंडा था बट आज तो कुछ ज्यादा ही है। देखो आप मौसम कितनी सुहावना मौसम हो रखा है। पे थिरकना चाहती फैन ऑफ कर दे। जम रियो जम रियो टाटा से इनोवेट कर रही हूँ, कहीं से मैंने देखा नहीं है, खुद से सोचा है कि वही मेरे भी सिस्टर एंड रियो गई हिलाने। हवा बहुत तेज है, रियो को हम लोग भेज नहीं रहे थे बट वो ना उसको बाहर जाने के इतना मन करता है कि अपनी मासी को मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। तो देखिए गाइस यहाँ पे है, छोटा सा दुकान है नजदीक में ही है, रियो दिख भी नहीं रही है, बस उसका स्टाफ दिख रहा है। मैगी मैगी क्या है, डार्क ब्रेवो कुकी, मिल्क पाउडर क्यों लाई हो, टॉफी 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 एंड टॉफी खाने के बाद ये ब्रश करने के लिए, ब्रश करने के लिए yes. इसे तुम ब्रश इसे करते हो, और ब्रेड नहीं मिला क्या, ब्रेड कहाँ मिला, नहीं मिला है। और एक लेज भी है जो फट चुका है, रियो खा रही है। सो गाइस ब्रेड तो मिला ही नहीं, तो अब जा रही हूँ मैं मैगी समोसा बनाने। रियो को देखिए आटा गूंथ रही है। तो यहाँ लिया है मैदा एंड मैदे में हमें डालना है क्रश किया हुआ अजवाइन, क्रश करके ही अजवाइन डाले, इसे मतलब टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, फिर इसमें डालेंगे मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल, तो इसमें रिफाइंड वाला आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना जिससे हमारा जो समोसा है काफ़ी खस्ता बनेगा। एंड उसके बाद एक्चुअली मैदा ना मेरी सिस्टर गुथेगी एंड मैं स्टफिंग वगैरह की तैयारी कर लूँगी, तो बहुत मतलब 2-3 मिनट तक अच्छे से इसको मसल रही है, रब कर रही है ताकि पूरा जो रिफाइन है वह इसमें मिल जाए। एंड उसके बाद उसको गूँथ देगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तो वो मैदा गूँथ रही है तब तक मैं यहाँ पे मैगी को बॉयल करने के लिए एक पैन में रख दे रही हूँ। एंड इसमें हम थोड़ा सा तेल भी डालेंगे, सरसों का तेल मैगी में, जिससे जो मैगी है वो खिला खिला बने है। एंड मेरी सिस्टर यहाँ पे मैदा गूँथ रही है अच्छे से, एंड यह मैदा गूँथ चुका है तो इसको हम लोग ढक के मतलब साइड में रख देते हैं जब तक हमारी स्टफिंग रेडी ना हो जाए। तो मैगी भी उबल चुका है तो मैं इसको एक बर्तन में सॉरी एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। एंड पूरे मैगी को निकालने के बाद एक बार हम ठंडे पानी से इसको धो लेंगे ताकि यह ओवर कुक ना हो। अब हम लेंगे 2 प्याज 3-4 हरी मिर्चे और धनिया पत्ता, एंड इन सबको एकदम बारीक से कट कर लेना है। प्याज सॉरी हरी मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा या घटा भी सकते हो। उसके बाद मैंने एक पैन में हल्का सा मस्टर्ड ऑयल डाल के गर्म कर लिया है, एंड इसके बाद इसमें ऐड करूँगी जीरा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, एंड हरी मिर्च डालने के तुरंत बाद मतलब 20-30 सेकंड बाद इसमें ओनियन डाल देंगे जो हमने बारीक काटा था, एंड फिर थोड़ा सा इसको मिलाएंगे। और प्याज को हमें एकदम ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही मतलब चलाना है 1 मिनट तक करीब तेज आंच पे, देखिए ब्राउन नहीं हुआ। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, मतलब थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर ऐड करेंगे,
इसके बाद ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, बहुत कम तीखा डालूँगी। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे काली मिर्च पाउडर, वह भी थोड़ा सा ही ऐड करना है। फिर सबको एक बार हम लोग चला देंगे एंड उसके बाद इसमें ऐड करना है हमें सेजवान सॉस। तो मेरा सेजवान सॉस एक्चुअली ख़त्म हो गया था, तो जितना था मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि तीखा कम बना रही हूँ। एंड अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस भी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। उसके बाद डाल के सबको अच्छे से मिला देंगे। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे मैगी मसाला, दोनों पैकेट इसमें डाल देंगे क्योंकि मैगी हमने दो पैकेट लिया था, तो मसाला भी दो पैकेट लेना है। और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक हमें थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि मैगी में भी नमक रहता है एंड सेजवान चटनी में भी नमक रहता है। तो हम इसमें डाल देंगे उबला हुआ मैगी एंड थोड़ा सा मिलाएंगे। मैगी डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया का पत्ता एंड 2 स्पून से अच्छे से सबको मिला देंगे। बस मिक्स करने जितना देर ही हम लोग पकाएंगे क्योंकि सब कुछ तो इसमें पका ही हुआ है, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे इसको। सुबह जी आ रहा हमारा आधा सा बचा हुआ स्टफिंग क्योंकि आधा तो हमने खा लिया। सो गाइस बड़े ही देखिए देखिए चोर को देखिए फिर से मुंह में डाल रही है। बहुत ही मुश्किलों के बाद मैं आई हूँ समोसा बनाने क्योंकि मन कर रहा था मैगी को ना ऐसे ही खा लूँ, मतलब समोसा में भरने का मन ही नहीं कर रहा था, मैदे में भरने का मन ही नहीं कर रहा था, बट मैदा गुथा गया हुआ था तो भरना ही पड़ेगा। नहीं समोसा बनाने के लिए मैंने मैदे से थोड़ा सा आटा तोड़ के लोई बना लिया है एंड उसको हल्का सा सूखा मैदा लगा के उसको बेल ले रही हूँ। गोल हमें थोड़ा सा बड़ा बेल लेना है एंड उसके बाद हमें एक चाकू से बीच से कट कर लेंगे। उसके बाद इसके हम किनारों पे पानी लगाएंगे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मैदा वगैरह का घोल बनाओ, पानी से भी बहुत अच्छे से समोसा चिपक जाता है। उसके बाद जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे ही आप फोल्ड कर लो। तो देखो कैसे कोन तैयार हो चुका है। अब बीच में हम इसके अंदर हम भरेंगे मैगी और अच्छे से दबा देंगे और उसके बाद दोनों साइड से खींच खींच के हम मिला देंगे, मतलब दोनों साइड से दबा देंगे जिससे जो समोसा है हमारा चिपक जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा समोसा हमारा रेडी है। तो पहले से भी मैंने कुछ बना के रख लिया था, वैसे ही मैं सारे समोसे को बना लूँगी। एंड इसको फ्राई करने के लिए तेल भी मैंने गर्म होने को रख दिया था, तो तेल भी हमारे गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बने हुए समोसा। और मैं मैगी समोसा पहला बार ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा मतलब बनेगा। उसके बाद हम इसको अलट पलट के बना लेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि गैस का जो फ्लेम है एकदम लो ही रखना है, नहीं तो आपके समोसे में ना बबल्स आ जाएंगे। अब देखो हमारा समोसा एकदम रेडी है, ब्राउन कलर में आ चुका है, देख के काफ़ी टेस्टी एंड खास्ता लग रहा है। तो अब हम चले इसको सर्व करने। सुबह हमारा टेस्टी वेस्टी समोसा रेडी है एंड लेके भागने के लिए तैयार है मेरे सिस्टर। तो फाइनली सारा समोसा बन चुका है एंड सब लोग खा लिए हुए हैं, बस मैं और मम्मी बाकी थे। तो मम्मी ने भी अभी लिया है और मैं भी अपना लेके आ गई हूँ। सबने मुझसे सुना है कि काफी टेस्टी था, बढ़िया था, तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना। सो गाइस यह टेस्टी समोसा सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मेरे को इतना उम्मीद नहीं था कि इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसके अंदर में मतलब जो मैगी भरा हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप लोग भी घर पे ट्राई ज़रूर करना, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है।